कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन गरम कर रही हूँ। पैन गरम करने के बाद मैं यहाँ पर फुल क्रीम, एक फुल कप, बड़ा मग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये देखिए, इसमें इस तरीके से हमको मिल्क डालना है और इसको लगातार चलाते रहना है। इसी पूरी प्रोसेस में हमको इस मिल्क को पूरे समय स्टर करना पड़ेगा ताकि नीचे लगे नहीं। यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज किया है, आप चाहे तो टोन्ड मिल्क भी ले सकते हैं। ये बनने के बाद कंडेंस मिल्क बिल्कुल ही बाजार जैसा लगता है। आप मार्केट के कंडेंस मिल्क और घर के कंडेंस मिल्क में कभी भी कंपेयर करके देखेगा, आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा मार्केट वाले कंडेंस मिल्क में आता है। ये देखिए, अभी मेरा मिल्क आधा हो गया है, ये देखिए इसमें मलाई सी जमने लगी है। इसको चलाते रहेंगे लगातार, इसका कलर भी देखिए आप, थोड़ा सा येल्लो होने लगा, ये देखिए मलाई भी आने लगी है इसके ऊपर। बस हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी इसमें। मैं ये हाफ कटोरी मैंने लिया हुआ है, समझिए फुल स्पून हमने लिया है, ये 3 स्पून मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। इसको भी हम बस लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और जब लगातार हम इसको चलाते रहते हैं तो ये जो थोड़े थोड़े से इसमें आपको दिख रहे हैं लम्स, वो इजीली इसमें डाइल्यूट हो जाते हैं। तो आप इस पूरी प्रोसेस में इसको लगातार चलाते रहें इस तरीके से, ताकि ये कढ़ाई में नीचे लगे नहीं। ये देखिए, मैं इसको साथ ही साथ दबाती भी जा रही हूँ। इसको हमें पूरा इस तरीके से साइड से निकालते हुए चलाते रहें आप इसको इसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी सी शुगर होती है, आप मिल्क शुगर अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने 3 स्पून मिल्क पाउडर लिया है, तो मैं यहाँ पर 3 स्पून इसमें शुगर ऐड करूँगी। अभी आप देखिए, मैंने इसमें अभी शुगर नहीं डाली है, अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये भी हाफ कटोरी है मेरी करीब, और मैं इसको पूरा डाल दूंगी, 3 स्पून है, फुल 3 स्पून मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है, क्योंकि ये कंडेंस मिल्क थोड़ा सा मीठा ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर, अगर आप शुगर फ्री का भी बनाना चाहें, अगर किसी को शुगर है तो शुगर फ्री का भी बन सकता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता टेस्ट में, आप इसमें थोड़ी सी शुगर फ्री डाल सकते हैं। बस इसको लगातार बस अब हमें इसे चलाना है, और बहुत ही इंस्टेंट है ये, आप सारी चीजों में बहुत भी अच्छा लगता है, डिश में डाल सकते हैं, स्वीट डिश में। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज में भी कंडेंस मिल्क घर का ही बना ही यूज करती हूँ, जैसे केक, पेड़े, और आप कोई भी मिठाई बना रहे हैं, अगर आपको उसमें मावा ऐड नहीं है तो आप ये कंडेंस मिल्क भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। ये बच्चे कई बार घर में पराठे, पूड़ी के साथ या रोटी के साथ भी कई बार खा लेते हैं इससे, आप जरूर ट्राई करके देखें इसको। ये देखिए, अब हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर रही हूँ, बहुत ही एक चुटकी सोडा हमको इसमें डालना है। सोडा डालते से ही आप देखेंगे इसमें थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए, लेकिन हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और बस मैं इसको चलाती रहूंगी ताकि ये बिल्कुल लगे नहीं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ा सा इस टाइप से झाग आ रहा है, बस आप इसको लगातार चलाते रहें। और ठंडा होने के बाद ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, लेकिन ठंडा होने के बाद आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये मिलेगा। ये देखिए, ये मैं आपको कटोरी में डाल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये इतना क्रीमी रेडी हुआ है। ये देखिए, मैं आपको स्पून से भी बताती हूँ, ये देखिए, और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो अगर आपको मेरी इंस्टेंट कंडेंस मिल्क की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।